यहाँ तो रुकना पड़ेगा यार। और ये एक बेड है, ये देखें, ये दो लोग यहाँ पे स्वाइपर्स होंगे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। अच्छा जी, आज हो गया है दूसरा दिन, दूसरा दिन हो गया, दो रातें मैं सो गया। अभी मैं फ्राइनस्टाइन जे पे था, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे जो जे है वहाँ पे, देखूंगा कि वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, और फिर वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले के आज मैं आगे निकलूँगा। आगे का मुझे अभी इतना नहीं पता कि मैं आज ऑस्ट्रिया में ही रहूँगा या आज अगर मैं चला सका और तो मैं डायरेक्ट गार्डाजे की तरफ जाऊँगा, लेकिन गार्डाजे इटली, तो अभी डिपेंड करता है कि मूड कैसा है। वैसे तो नींद सही है, ठीक है, तो अभी चलते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रुको जरा, सबर करो। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हुआ ये कि मैं उन लेक्स पे गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बंद थी। उनके कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं जिस टाइमिंग पे अगर मैं रुका तो मैं आज काफ़ी लेट हो जाऊंगा। लेट तो नहीं होगा, मुझे कोई और काम नहीं है आगे, लेकिन मैं ये देखना इतना ख़ास मेरे लिए नहीं है जितना मैं आगे जाके वहाँ पर अच्छे लेक्स देखूँ। बस मैंने ऊपर से देख ली, ठीक है, उसमें बोट वगैरह आपको मिल सकती है, 18 यूरो की है बोट अगर आप लें तो एक घंटे की, सही है। इतनी खूबसूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से व्यू इतने अच्छे नहीं हैं, व्यू तो शायद हो सकता है आगे जाऊँ तो मुझे देखें, लेकिन वैसे भी खूबसूरत है। आना ज़रूरी नहीं है, अगर सिर्फ आप लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर नहीं आए, इससे आगे जाए, मतलब इसको बीच में रखें जैसे मैंने इस बार रखा हुआ है। इस वक्त हम करेंगे अपना कैंप पैक और सारे बाइक वगैरह को बिल्कुल पैक करके यहाँ से हम निकलेंगे मेरान की तरफ। मेरान ऑस्ट्रिया नहीं, मेरान इटली में ही, मेरान इटली में है,
बस वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखूँगा मैं अगर कोई एयरबीएनबी वगैरह मिल गया या कोई होटल वगैरह मिल गया या कोई कैंपिंग प्लाट्स मिल गया, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है तो इस वजह से वहाँ जाया जा सकता है और कैंपिंग में भी रहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रात को ज़रा सर्दी थी, रात को यहाँ पे 4 डिग्री हो गया था जो थोड़ा सा हाँ तो अच्छा पता चला था रात को। तो आई होप कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ट्राई करते हैं इस बार वहाँ जाने की और फिर रास्ते में मिलते हैं। अच्छा, बाइक हो गई है इस वक्त एकदम टाइट लोडेड और बस मैंने कहा है कि मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन आगे इससे भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी हल्के हल्के जा रहे हैं, तो एक अंकल आंटी हैं उनसे मेरी दोस्ती हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप आएँ हमारे साथ कॉफ़ी पीजिएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनके साथ ही जो है इनके वोन वागन की भी मैं अंदर से वीडियो बनाऊं। तो मैंने कहा कि मैं पहले इनका इंट्रोड्यूस करा दूं। वी हाइसन जी हैबत, ये हैबत हैं और ये इनकी वाइफ हैं, ये ब्रिगिटे हैं, ठीक है। इन लोगों ने मुझे कहा है कि मैं जो हूँ इनके वोन वागन के अंदर की वो भी बना सकता हूँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये कौन सा वोन वागन वेल्श इस्तस्तन वासामदन की सनलाइट इस तरह, अच्छा वो लिखा हुआ है सनलाइट पीछे, या 7.5 मीटर की है ये और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आप देख रहे होंगे बहुत चौड़ी है, ऊपर भी लिखा हुआ है सनलाइट वगैरह, ठीक है। इधर से ये ड्राइवर, इस तरफ ड्राइवर बैठते हैं, इस तरफ इनकी वाइफ बैठती हैं, और अगर हम लोग यहाँ से अंदर लेके जाएं, ये यहाँ पे ये इन्होंने स्ट्रोम का लगाया कि मतलब इलेक्ट्रिक वगैरह यहाँ से जा सकती है। ये इनकी जो है वो टेबल वगैरह है, यहाँ पे ये ड्राइवर जो है इसकी सीट मोड़ भी सकती है और ये एक बेड है, ये देखें ये दो लोग यहाँ पे यहाँ पे दो लोग सो सकते हैं, आप देखें बहुत अच्छी तरीके से आराम से। ये इनकी टेबल है, ये कैसे ही सोफा टाइप का है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ओके, यस किड्स फॉर दिस इज अंदर किचन, ठीक है ये इनका किचन है, यहाँ पे इस पे बर्तन वगैरह धोने का है, चूल्हा अगर खाना बनाने का है तो ये चूल्हा है, ये इनके बर्तन वगैरह है यहाँ पे, और ये सारा जो है कबर्ड वगैरह है जिसमें आप अपना सामान रख लें, अगर हम लोग होते तो मसाले जात वगैरह रख लेते। ये हाँ देखिए इन्होंने ग्लासेस रखे हुए कि इधर ग्लास रखे हुए बिल्कुल, और ये गिरेंगे नहीं, ये बिल्कुल ये कभी भी गिरेंगे नहीं, वो कह रहे हैं इन्होंने ऐसे फिक्स करा हुआ उसे, ये आप देखें ये ऐसा वो लगाया हुआ इन्होंने कि वो गिरेंगे नहीं, वो एकदम कह रहे हैं आराम से निकालो धो पियो कोई मसला नहीं होता। बस हम अच्छा इधर जो है 2 से 3 लोग सो सकते हैं ये, और ये इनकी ये टॉयलेट है, 10 टॉयलेट है। ओके अच्छा ये इनका टॉयलेट है, टॉयलेट है, ओ वाओ ये इनका टॉयलेट है, यहाँ पे सब कुछ आराम से हो सकता है, मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर ज्यादा लोग हैं। 10 इज दी दुशे, दिस इज दी दुशे, दी दुशे आओ ना, दिस कम आउट द क्लैपन ऑन दिस, ये इनकी दुशे है और यहाँ पे जो है आराम से इंसान जो है खड़े होकर नहा सकता है, और फ्रिज वगैरह 10 इज ओपन, और दस ये और फैंस या नाइन से ओपन, ओके चिकन या फिल्म, अच्छा ये जो है ये टीवी है इनका, ओ वाओ जबरदस्त, ये देखें आप und dann kann ich das vom Bett aus ये बेड से जैसे लेटे लेटे भी ये मूवी देख सकते हैं und da vorne, और अगर उधर से बैठे हुए तो उधर से भी देख सकते हैं, वेरी गुड सेशन, यस यस Und das hier ist alles inklusiv, oder haben Sie das irgendwann gemacht? Nein, das war alles schon. Das war alles so inklusiv drin. Okay. Hier ist die Bedienung für die Antenne, die ist automatisch. Ah, okay. Hier ist das, wo ein Button ist, der oben die Satellite lag, um zu suchen, welche Satellite man suchen kann. अगर जर्मनी में हम रह रहे तो हम आस्टर 19.2 आती है, यूरोप में रह रहे तो कहीं और से पूछ जाते हैं। अच्छा ये इनका फ्रिज वगैरह है, किलशरंक ये इनका फ्रिज है,
Fridge ja, ye bhi kaafi bada ist schon recht groß, gell? Schon sehr schön. Ja, und hier ist gefriert. Also ye upar jo hai ye freezer hai. Oh, sehr gut. Und das ja. Ja, das ist schon groß. Also. Ja, schon groß. Sehr schön. Das ist Klimaanlage? Ja, die Klimaanlage, मतलब ये एसी वगैरह है कि अगर जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो ये एसी चला सकते हैं लेकिन मैं अंदर आया हूं मुझे जो है गर्मी नहीं लग रही है जैसे गार नहीं सो वार्म भी इस तरह से दिस इज गुड गेडेंट नहीं मिशन ja, 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 sehr gut gedämpft ja sehr schön sehr schön इधर लाइट वगैरह लगी हुई है इधर से भी देखें आप ऊपर अगर देखें तो यहां से भी लाइटों का सिस्टम आ रहा है और सबसे अच्छी चीज जो है ये कि यहां पे ये जो दोनों चेयर्स हैं ये आपके घूम भी जाते हैं कि अगर आपको यहाँ पे मुंह करके बैठने तो आप इस तरफ बैठ सकते हैं और यहाँ पे बैठने तो यहाँ और आगे भी आप लोग देख रहे होंगे कितनी जगह है। चले ये मैंने आपको कैंपिंग इसका जो है वो टूर करा दिया। जय फील डांक खरी के सामान वगैरह कहाँ रखा होता है जो भी इन्होंने स्टोरेज करके रखा होता है। ओहो जबरदस्त ये देखें यहाँ पे दो साइकिलें खड़ी है मतलब इतना सामान अभी रख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ सामान है लाइट भी है यहाँ पे और आप अपने यहाँ पे काफी कुछ पूछ सकते हैं। जबरदस्त womit wird das gas betrieben gas auch mit gas ah also der herd wird mit gas und ist separat hier da hier यहां पे दो गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं कि अगर आपको चूल्हा लगाना है तो एक से ये कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो सेकंड स्पेयर में कि अगर आपको चेंज करना हो तो। कौन है ये लोग कहां से आते हैं? आप लोगों ने देखा अब आप लोग अभी हम आगे जाएंगे गार्डन से उससे पहले मैरान जाएंगे और फिर वहां पे भी आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे से व्यूज दिखाएंगे। अच्छा जी अब हम निकल गए हैं यहाँ से फ्रेनस्टाइन जे से और अब हम जाएंगे लंबे रूट पे 166 किलोमीटर पे आ रहा है। इस जगह का नाम है दौर्फ तिरोल। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। हाँ इस जगह का नाम है दौर्फ तिरोल और ये साउथ तिरोल में है ऑस्ट्रिया में ही होता है बिल्कुल बॉर्डर पर है ऑस्ट्रिया और इटली की। यहाँ पे पुलिस का कंट्रोल हो रहा है यार अभी रोक ना लेना अभी बैठा हूँ मैं इस चीज़ का भी मेरे पास मूड नहीं है। बस फिर वहाँ जाके मैं देखूँगा कि वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं और जैसा जैसा होता रहता है वहाँ पे आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। यहाँ तो रुकना पड़ेगा यार। मजा आया और मैं ये जो मजा है
अच्छा भाई, ये है रेशनजे। रेशनजे इटली का पहला ये है जहाँ पे मैं आके इस वक्त रुका हूँ। और खैर बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे, हवा बहुत टाइट है। आप लोग सामने देख भी रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ पे, देखा होगा आप लोगों ने। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टॉप करा, मुझे ज़रा अच्छा लग रहा था, मैंने यहाँ पे दो तीन तस्वीरें खींची और फिर अब हम आगे जाएंगे। अच्छा, यहाँ की एक ख़ास बात है कि ये जगह अगर आप ये लोग ये देखें तो इस जगह पे पहले पानी नहीं हुआ करता था, ये पूरा एक चर्च था। और फिर ये पानी यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि बारिश का पानी और बर्फ़ का पानी जो कुछ भी पिघल के आया इस पहाड़ों से, तो वहाँ उसकी वजह से ये पूरा एक चर्च था जो धस गया इसमें। तो खैर उसकी भी खूबसूरती एक अपनी जगह है, जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह का भी सिस्टम है। इस वक्त मैं आ गया हूँ मेरान में। मेरान एक सिटी है इटली का, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैंने कैंपिंग करी है। यहाँ पे भी नॉर्मली मेरा था कि मैं आज ही गार्डा से चला जाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल थी और बहुत एक्सीडेंट्स हुए हुए थे गाड़ियों के और बस रश भी बहुत था, क्योंकि शायद यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू हुई हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन हमेशा शक हो सकता है कि इतना रश हो। लेकिन अब मैं मेरान में रुका हूँ एक बहुत ही अच्छे से कैंपिंग प्लॉट्स पे। यहाँ पे मैंने अपना टेंट वगैरह लगाया, इसमें खाना हो गया है, बस ज़्यादा कुछ करा नहीं है, मैंने कॉफ़ी भी नहीं बनाई है, बस अभी मैं ज़्यादा थका हुआ क्योंकि ड्राइव मैंने करी है बाइक तकरीबन 5 से 6 घंटे। तो आप लोगों से सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए शब खैर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।